हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लास 9, चैप्टर 7। इसमें हमने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ रखा है? इसमें हमने पढ़ा कि डाइवर्सिटी अनलिमिटेड है, उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसके स्टडी के लिए उसको कई ग्रुप्स में डिवाइड किया, जो बेसिस रखे हमने उसके रहे मेन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक। इन बेसिस पे सभी ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फिर हमने बात करी थी किसने किसने डिवाइड किया, इम्पॉर्टेंट निकल के आए थे आर एच विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा। तो आर एच विटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। कहाँ पढ़ी हमने? आर एच विटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा हमने। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। सिर्फ प्लांट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्लांटी को डिटेल में पढ़ना है और एनिमिलिया। आर एच विटेकर ने पांच किंगडम दिए थे, पांचों हमने चार्ट बना के डिस्कस किया था। आज थोड़ा गला कमज़ोर है इसलिए धीरे बोलेंगे। और पांचों हमने डिस्कस किया था, पांचवा थे प्लांटी और एनिमिलिया। अभी हमें डिस्कस करना है प्लांटी। तो प्लांटी के बारे में देखते हैं। तो एक आइक्लर साहब थे, आइक्लर थे। इन्होंने कहा कि प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो टाइप के प्लांट्स बना दिए इन्होंने। एक का नाम रखा क्रिप्टोगैम्स, एक का नाम रखा क्रिप्टोगैम्स, दूसरे का नाम रखा फेनेरोगैम्स। ठीक है, एक का नाम रखा क्रिप्टोगैम, दूसरे का नाम रखा फेनेरोगैम्स। इन्होंने कहा क्रिप्टोगैम्स का मतलब होगा कि वो प्लांट्स जिनमें सीड नहीं बनता, फ्लावर या फ्रूट नहीं बनता। तो आइक्लर ने कहा कि क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स हैं जिनमें सीड एब्सेंट होता है और फ्लावर या फ्रूट एब्सेंट होता है, और फेनेरोगैम्स वो प्लांट हैं जिनमें सीड प्रेजेंट होता है उन्हें फेनेरोगैम्स, जिनमें सीड प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें क्रिप्टोगैम्स बोला गया। ठीक है, अब क्रिप्टोगैम्स के तीन एग्जाम्पल आ गए। प्लांटी किंगडम में हमें पांच टाइप के ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। जिसमें से तीन क्रिप्टोगैम्स हैं और दो फेनेरोगैम्स हैं। टोटल कितने हो गए? पांच के बारे में हमें पढ़ना है। क्रिप्टोगैम्स जिनमें फ्रूट्स नहीं होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमने बताया समय के साथ चीज़ें एडवांस हुई हैं, हमेशा समय के साथ चीज़ें एडवांस होती चली आई हैं। तो पहले के जो स्टार्टिंग के पहले दूसरे और तीसरे नंबर में जो शुरू में आए उन प्लांट्स में सीड नहीं था, चौथे पाँचवें में आते आते सीड बनना शुरू हो गया। तो ये पुराने ज़माने के प्लांट्स हैं, होते अब भी हैं, यानी ये समय में पहले आ गए थे और इनका डेवलपमेंट बाद में हुआ है। ठीक है, नाम देख लेते हैं। पहले ग्रुप का नाम है थैलोफाइटा। पहले का क्या नाम है? थैलोफाइटा। ठीक है,
दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। तीसरे का क्या नाम है? टेरिडो। पी भी आता है, पी साइलेंट है, टेरिडो फाइटा। ठीक है, इन तीनों में सीड नहीं होता, फ्लावर या फ्रूट एब्सेंट होता है। जिनमें सीड होता है उसमें सबसे पहले कौन आया? जिम्नोस्पर्म। स्पर्म का नाम क्यों आया यहाँ? स्पर्म लिखने का मतलब है कि इसमें सीड बनना शुरू हो गया। उसके बाद लास्ट में आया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब है कि सबसे बाद में अगर ये बना है तो सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर भी लेके आया होगा, नई नई चीज़ें लाया होगा, क्योंकि ये बाद में आया है। तो इसमें सीड तो बनता ही बनता है, जैसे इन दोनों में सीड बनता है तो एंजियोस्पर्म में सीड तो बनता ही बनता है, साथ में फ्लावर भी बनता है। और यही फ्लावर आगे जाके क्या बनाता है? यही फ्लावर फ्रूट बनाता है। यही फ्लावर आगे जाके फ्रूट बनाता है। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म में हमने कहा कि सीड तो प्रेजेंट होगा लेकिन इसमें अभी फ्लावर या फ्रूट आना नहीं शुरू हुआ था, फ्लावर या फ्रूट जो था इसमें एब्सेंट था। सीड आया सबसे पहले, ना सीड था ना फ्लावर था ना फ्रूट था, इन तीनों में कुछ नहीं था। जिम्नोस्पर्म में सीड तो आ गया, फ्लावर फ्रूट नहीं आया। एंजियोस्पर्म में फ्लावर आ गया, फ्रूट आ गया, सब कुछ आ गया, एंजियोस्पर्म हो गया लास्ट। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं थैलोफाइटा से। हमने बताया, एक बात और याद रखेंगे, जितना भी अभी हम एक एक करके सारे क्लास डिस्कस करेंगे तो उसमें ये याद रखना है कि थैलोफाइटा के बाद आया ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आया टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद आया जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद आया एंजियोस्पर्म। इस कैरेक्टर में, इस सीक्वेंस में याद रखने से क्या होगा कि अभी कई चीज़ें, कई फीचर्स आएंगी। हमको सबसे पहला देखा थैलोफाइटा, तो हम इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल सिंपल मिलेंगी, इसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं होगा। ब्रायोफाइटा में स्टेम और लीव्स बनना शुरू हो गया, टेरिडोफाइटा में रूट और स्टेम और लीव्स तीनों दिखना शुरू हो गया, इसमें सीड आ गया, इसमें फ्लावर आ गया। तो सब में कुछ न कुछ नया होता जा रहा है, अच्छी चीज़ें आती जा रही हैं, बुरी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, टाइम के साथ यही हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक एक करके सारे क्लास डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होगा थैलोफाइटा। हेलो फाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा हमने बताया क्योंकि सबसे पहले आ गया तो सबसे सिंपल होगा, कोई एडवांस फीचर ये लेके आया नहीं, तो ये हो गया सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट प्लांट से इसी में आते हैं, जितने सिंपल सिंपल प्लांट होते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें क्या इसमें है, इनमें जो होते हैं प्लांट्स, ठीक है, सबसे सिंपल होते हैं। इनकी जो बॉडी डिज़ाइन, हमने कहा जो बॉडी डिफरेंशिएशन है या बॉडी डिज़ाइन है, डिज़ाइन लिख दे रहे हैं, ये कॉमन लैंग्वेज है स्टूडेंट्स के हिसाब से। अगर आपको इसको कहीं लिखना होगा तो इसको कहते हैं बॉडी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इनमें बॉडी डिज़ाइन में इतना तक देख के नहीं पता चलता था कि क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीफ है, कुछ समझ में नहीं आता था, यानी कि नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता था, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। ठीक है, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, और क्या है, यानी कि रूट स्टेम लीव्स तक नहीं दिखते थे इसमें, रूट स्टेम या लीव्स जो थे एब्सेंट थे, दिखते ही नहीं थे।
सीड एब्सेंट होता है, यह सबको पहले से ही पता है। फ्लावर एब्सेंट होता है, फ्रूट एब्सेंट होता है, सीड, फ्लावर, फ्रूट सब एब्सेंट होता है, ठीक है, सबका सब एब्सेंट होता है। एग्जांपल इनमें आते कौन हैं, इनमें थैलोफाइटा में आते हैं मेनली एल्गी, सारे के सारे एल्गी किस में आते हैं, थैलोफाइटा में। अब एल्गी यानी कि कहाँ रहता है, अब देखो सबसे पहले ये पुराना है, अगर ये सबसे पुराने ऑर्गेनिज़म्स हैं तो ये लैंड पे रहना नहीं जानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिज़म्स आए हैं चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स, वो सब क्या थे, एक्वेटिक, शुरुआत लाइफ की पानी में हुई है तो ये सब एक्वेटिक थे। बाद में आगे जो प्लांट्स आएंगे वो लैंड पर रहना सीख लेंगे, लेकिन अभी थैलोफाइटा टोटली एक्वेटिक है, ये बाहर ग्रो नहीं कर सकता बिना पानी के, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके क्या फीचर के बारे में। एग्जांपल ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक हैं, यानी कि एक्वेटिक के अलावा और कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो सारे एल्गी ही होंगे, एल्गी के एग्जांपल जो कुछ आप याद करने हैं आप लोगों को वो है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ULOTHRIX, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोस्पोरा, CLADOSPORA, क्लैडोस्पोरा, क्लैडोस्पोरा हो गया। उसके बाद आ गया कारा, CHARA, कारा। ये चार एग्जांपल आप याद रख लीजिए, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की, किसी का नाम याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, थैलोफाइटा के बाद आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ब्रायोफाइटा में क्या है, इसमें आते हैं सिंपलेस्ट थे, बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंशिएटेड नहीं था, ये इसके बाद आए थैलोफाइटा से बेटर होंगे। तो इनका जो बॉडी होगा, इनके बॉडी में स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है, स्टेम लाइक, एग्जैक्टली स्टेम नहीं, जैसे हम स्टेम देखते हैं आजकल प्लांट्स में, मतलब जो हमें नॉर्मली दिखते हैं वो ज़्यादातर जिम्नो ऑरेंज ही होते हैं, तो ये स्टेम नहीं है और लीफ नहीं है, तो इनको क्या कहा हमने, स्टेम लाइक, लीफ लाइक यानी कि स्टेम के जैसे, और लीफ लाइक यानी लीफ के जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है, दिखना शुरू हो गए, लेकिन रूट्स अभी भी एब्सेंट रहे, ठीक है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम और लीफ नहीं, स्टेम लाइक, स्टेम के जैसे दिखने वाली चीज़ें दिखना शुरू हो गई, यानी अभी ये बनने की कोशिश कर रहा है। ब्रायोफाइटा के बारे में और क्या जानना है, ये हमेशा पानी में रहते थे, एक्वेटिक थे, ब्रायोफाइटा ने पानी में से निकला, ब्रायोफाइटा पानी में से निकला, लैंड पे आया रहने, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसको रिप्रोडक्शन के लिए अभी भी पानी की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि ये बाहर रहने आया तो, लैंड पे रहने आया तो, लेकिन इसको एक्वेटिक मीडियम की अभी भी ज़रूरत थी रिप्रोडक्शन के लिए, यानी एक्वेटिक अभी भी स्टार मार्क है, एक्वेटिक ज़रूरी है, लैंड पे आया ज़रूर है रहने, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं है, ये एक्वेटिक है, यानी ये लैंड पे भी रहेगा पानी में भी दिखेगा, दोनों जगह इसकी स्टेजेस चलेंगी लाइफ की। ऐसे लोगों को कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होता है, जैसे हमने फ्रॉग देखा है, फ्रॉग मेंढक, वो ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी चला जाता है, ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियन कहते हैं। तो ये उन्हीं के जैसे काम कर रहा है, पानी पर भी ज़मीन पर भी, तो इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें कहा कि तुम तो यार प्लांट किंगडम में हो, काम एम्फीबियन जैसा कर रहे हो जो एनिमल होते हैं, तो तुम्हें हमने नाम दे दिया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है।
और इन्होंने क्या कहा, प्लांट बॉडी इनकी जो होती है स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होती है। अब हम हमें अभी भी पता है कि इनमें जो इनमें भी सीड एब्सेंट होता है, फ्लावर्स फ्रूट सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स फ्रूट सब लिख दिया, बार बार वही चीज़ लिखने का कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट में इसीलिए लिख दिया हमने, ठीक है। तो इनमें भी ये सब चीज़ें एब्सेंट होती हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, ज़्यादा नहीं याद रखना है, सीक्वेंस में अगर हम याद कर लिए, सबसे पहले तो सीक्वेंस में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले थैलोफाइटा आया, फिर ब्रायोफाइटा आया, फिर टेरिडोफाइटा आया, फिर जिम्नोस्पर्म आया, फिर एंजियोस्पर्म आया। पूरी प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले इतना तो याद करें, तो अपने आप चीज़ें जुड़ती जाएंगी। इसमें बॉडी में कुछ नहीं दिखता था, इसमें क्या दिखना शुरू हो गया, इसमें दिखना हो गया लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की, एग्जांपल ब्रायोफाइटा में आते हैं मॉसेस जैसे कि फ्यूनेरिया, मॉस, ब्रायोफाइट्स को मॉस बोलते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, फ्यूनेरिया, ठीक है, ये हो गया ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट हम पिक करते हैं टेरिडोफाइटा, उसके लिए इतना रेस करते हैं। थर्ड हेडिंग टेरिडोफाइटा, तो ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बाद आया है। ब्रायोफाइटा में हमें प्लांट बॉडी में, यानी जो बॉडी होगी प्लांट की, ब्रायोफाइटा जो अभी हमने पढ़ा था उसमें रूट नहीं था, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आए थे, लेकिन जो टेरिडोफाइटा होता है इनमें रूट स्टेम और लीफ, इनमें रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होता है, बॉडी रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है, बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है किस में, रूट स्टेम और लीफ में बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, और इन्होंने लैंड पर रहना सीख लिया, यानी कि ये फर्स्ट सक्सेसफुल, सबसे पहले यही सक्सेसफुल हुए, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, इनको पानी में दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं, ठीक है। और इनमें क्या याद रखने की चीज़ है, इनमें ये याद रखने की चीज़ है कि इन्होंने एम्ब्रियो बना लिया। हमने बताया था कि सीड बनना कहाँ पे शुरू हुआ था, जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में क्या बन गया, फ्लावर फ्रूट बन गया। तो टेरिडोफाइटा तो जिम्नोस्पर्म के पहले है, तो इन्होंने एम्ब्रियो बना लिया था, एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, एम्ब्रियो बना लिया, लेकिन पूरा पूरा सीड नहीं बना पाए थे, सीड बनाना सीखा किसने, जिम्नोस्पर्म ने, तो इन्होंने एम्ब्रियो बना लिया। एम्ब्रियो इनका अब सीड नहीं था, तो बिना सीड के एम्ब्रियो ऐसे खुले में पड़ा रहता था, तो वो ऐसे एम्ब्रियो को क्या कहेंगे, नेकेड, जो सीड के अंदर हुआ वो तो कवर्ड हुआ, और जो सीड में नहीं हुआ उस एम्ब्रियो को क्या कहेंगे, नेकेड एम्ब्रियो कहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, किस फॉर्म में होता है, स्पोर के फॉर्म में पड़ा होता है, और ये लीव्स के नीचे होता है, जैसे ये लीव्स हो गई इसकी, तो उनके जस्ट नीचे वाले साइड अटैच्ड होते हैं, यानी बीनीथ द, बीनीथ यानी नीचे, बीनीथ द लीफ, लीफ के नीचे होते हैं। टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स देख ले, तो इनमें आते हैं फर्न्स, ब्रायोफाइटा में मॉसेस आते थे, टेरिडोफाइटा में फर्न्स आते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा में कौन आता है, एफ ई आर एन, फर्न आते हैं टेरिडोफाइटा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, अब हम किस पे आते हैं, जिम्नोस्पर्म, काफ़ी देर से हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बड़ाई कर रहे हैं,
ठीक है, तो आधी चीज़ें इनके बारे में तो हम ऐसे ही जानते हैं क्योंकि ये टेरिडोफाइटा लैंड पे रहना सीख लिए, ये फर्स्ट इंसान थे, फर्स्ट प्लांट थे जो लैंड पे रहना सीखे। तो जिम्नोस्पर्म को ऑब्वियसली क्योंकि ये एडवांस है टेरिडोफाइटा से भी, बाद में आया है, तो ये लैंड में सक्सेसफुल तो होगा ही होगा। ठीक है, लैंड में सक्सेसफुल रहा, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो इसमें भी ये कर ही लेता है। इसमें भी रूट स्टेम और लीव्स, रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होंगी ही होंगी, ठीक है, ये सब तो ये कर ही लेगा। एम्ब्रियो तो इसमें भी होगा, लेकिन इसने एम्ब्रियो को किस में कवर कर दिया, सीड में, यानी इसमें सीड भी प्रेजेंट होता है। अभी ये फ्लावर और फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट नहीं बना पाया है। इतनी बेसिक बातें हम पहले से जानते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये फर्स्ट प्लांट ऐसे हैं जिनमें क्या आया, सीड आया। ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड आया, टेरिडोफाइटा तक सीड नहीं आया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में एक और छोटी मोटी पॉइंट्स की, वो है कि जो जिम्नोस्पर्म के सीड्स होते हैं, फ्लावर फ्रूट एब्सेंट होता है तो वो नेकेड होते हैं, यानी खुले होते हैं। इसमें एम्ब्रियो नेकेड था, एम्ब्रियो को इसने कवर किया सीड में, लेकिन अभी सीड खुले में है, एंजियोस्पर्म आएगा सीड को भी कवर कर देगा और डाल देगा फ्रूट या फ्लावर के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें कि जिम्नोस्पर्म में और क्या स्पेशल जो फीचर आए। ये ऐसे प्लांट थे जो साल के 12 के 12 महीने ग्रो करना सीख लिए थे। इन्हें एक सीज़न की ज़रूरत नहीं है कि ये सिर्फ गर्मी में होंगे, ठंडी में होंगे, बरसात में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये हमेशा ग्रो करने वाले प्लांट्स थे, ज़्यादातर ये ऐसे ही प्लांट थे। तो इनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं, जो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल ग्रो करते रहते हैं, उन्हें पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन भी बोलते हैं। और इनके स्टेम वुडी होते हैं, एकदम लकड़ीदार स्टेम होते हैं, वुडी होते हैं। अब हम बात करें एग्जांपल्स की, तो पाइनस, साइकस और देवदार, ये तीन एग्जांपल याद कर लीजिए, पाइनस, साइकस और देवदार, ये तीन एग्जांपल याद कर लीजिए अभी के लिए, यही तीन इम्पॉर्टेंट हैं आपके कोर्स में। अब हम आते हैं लास्ट कैटेगरी पे, जो कि फाइनल हमें पता है सबसे एडवांस कैटेगरी है, उसका नाम है एंजियोस्पर्म। क्या नाम है, एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये लास्ट कैटेगरी है, ये सबसे एडवांस कैटेगरी है, और क्योंकि ये सबसे एडवांस कैटेगरी है तो ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुए होंगे। ये होते हैं हाईली इवॉल्व, इवॉल्व यानी समय के साथ एडवांस होना, इसको क्या कहते हैं, इवॉल्व। तो ये हाईली इवॉल्व प्लांट्स होंगे, इनमें बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने अपने अंदर फ्लावर को नहीं बनाया था, कोई नहीं बना पाया था, सिर्फ इनमें फ्लावर या फ्रूट प्रेजेंट होता है, फ्लावर ही आगे चल के फ्रूट बनाता है। ठीक है, तो इनमें फ्लावर या फ्रूट प्रेजेंट होता है और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर कहीं भी कहा जा रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म की, और किसी में फ्लावर नहीं होता है। ठीक है, इनमें फ्लावर क्या करता है, हमने बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म के सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं, फ्लावर के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड होते हैं। इनमें सीड जो है नेकेड नहीं होता है, कवर्ड होता है। सीड किसके अंदर मिलता है,
फ्लावर या फ्रूट के अंदर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सीड इसका जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाता है। ये कोई बहुत नई बात तो नहीं है, लेकिन एंजियोस्पर्म को का अगर हम सीड देखें, एंजियोस्पर्म का सीड देखें तो उसमें क्या होता है, सीड में होता है, हमने बताया था एम्ब्रियो। सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो होता है उसमें होता है कॉटिलेडन्स। जैसे कि अगर हम चना या मटर को छील के देखें तो अंदर दो दाने ऐसे ऐसे निकलते हैं, इन्हीं को कहते हैं कॉटिलेडन्स। वो एंजियोस्पर्म के होते हैं डाइकॉट्स, क्योंकि उनमें दो कॉटिलेडन होता है। चना या मटर में जब हम देखते हैं उनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, डाइकॉट्स, यानी दो कॉटिलेडन। तो ठीक है, हम इधर बात कर रहे थे कि एंजियोस्पर्म में सीड देखा हमने, सीड को खोला, अंदर एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो में कॉटिलेडन्स थे। कॉटिलेडन्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक ऐसे प्लांट्स जिनमें सिंगल कॉटिलेडन है, एक तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सिंगल कॉटिलेडन है, कुछ ऐसे प्लांट जिनमें डबल यानी दो कॉटिलेडन है। ठीक है, तो सिंगल कॉटिलेडन वालों को क्या कहा, सिंगल का मतलब होता है मोनो, सिंगल वाले को हमने कहा मोनोकॉट्स और डबल वाले को हमने कहा डाइकॉट्स। एग्जांपल हमने दिया इसका, डाइकॉट्स में चना मटर जो देखते हैं ये सब डाइकॉट्स होते हैं, उनमें अंदर दो कॉटिलेडन्स निकलते हैं। तो इस बेसिस पे एंजियोस्पर्म को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक को हमने कहा मोनोकॉट्स, ये दूसरे को हमने कहा डाइकॉट्स। दोनों के एक एक एग्जांपल याद रख लेते हैं। पैफियोपेडिलम, पैफियोपेडिलम एक प्रकार का क्या है, मोनोकॉट है। पैफियोपेडिलम नीचे लिख दे रहे हैं आगे, पैफियोपेडिलम ये क्या है, एक प्रकार का मोनोकॉट है। और डाइकॉट का एग्जांपल लिखना है आइपोमिया, आइपोमिया बटाटा होता है, आइपोमिया सिंघाड़ा देखा होगा सभी ने, डाइकॉट होता है। ठीक है, आइपोमिया, ये इतना सा याद करना ज़रूरी है। एंजियोस्पर्म में बहुत ही जनरल जनरल चीज़ें हमने बताई हैं, बहुत छोटे में करके हमने बताया है कि ये बहुत डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, तो इनमें ये लिखने की अब हमें ज़रूरत नहीं है कि इनमें रूट स्टेम और लीफ होगा, ये इन सब से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इनमें रूट स्टेम लीफ तो होगा ही होगा। कैसे, हमने बोला एक बार फिर एक कॉमन चीज़ रिवीजन कराते हैं कि सबसे पहले क्या होता था, थैलोफाइटा, फिर क्या आया, ब्रायोफाइटा, फिर क्या आया, टेरिडोफाइटा, फिर आया जिम्नोस्पर्म, फिर आया एंजियोस्पर्म। अच्छी चीज़ें आती जाएंगी, अच्छी चीज़ें आती जाएंगी, प्लांट एडवांस होता जाएगा। ये सिर्फ पानी में रहता था, ये कहाँ रहता था, एक्वेटिक था, सिर्फ पानी में रहता था। ब्रायोफाइटा ने बाहर आने की कोशिश करी लेकिन सक्सेसफुल नहीं था, इसको क्या बोला, एम्फीबिया बोला, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, ये सब ज़मीन पर रहना सीख लिए, इसने कोशिश करी, बाकियों ने ज़मीन पर रहना सीख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फ्रूट, फ्रूट के अंदर होता है सीड, यहाँ पे फ्रूट, फ्रूट के अंदर होता है सीड, सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये लोग नहीं बना पाए, टेरिडोफाइटा ने एम्ब्रियो बना लिया, टेरिडोफाइटा ने एम्ब्रियो बना लिया, जिम्नोस्पर्म ने एम्ब्रियो के ऊपर सीड बना दिया, और एंजियोस्पर्म ने एम्ब्रियो के ऊपर, सीड के ऊपर फ्लावर या फ्रूट बना दिया, फ्लावर या फ्रूट बना दिया। ठीक है, इधर नहीं हुआ करता था ये सब चीज़। ब्रायोफाइटा में भी एम्ब्रियो होता है लेकिन वो किसी मतलब का नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या देखना चाहते हैं, बॉडी की बात कर लेते हैं। थैलोफाइटा में बॉडी किसी भी चीज़ में डिफरेंशिएटेड नहीं थी, ब्रायोफाइटा में रूट नहीं था लेकिन स्टेम और लीफ
था, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। टेरिडोफाइटम रूट स्टेम लीफ सब आ गया, रूट स्टेम लीफ सब आ गया, इसमें सब देख रहे हैं कि एडवांस होता जा रहा है। ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, थोड़े बहुत जनरल फीचर्स, और ये तो बाकी ट्रेन जो चल रही है इस हिसाब से सब याद हो जाएगा। एग्जांपल्स बस अपने याद कर लीजिए तो फिर प्लांट किंगडम में आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और आज का लेक्चर हमारे हिसाब से यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आगे एनिमिलिया पढ़ाएंगे और एनिमिलिया में बहुत टाइम लगने वाला है। इतना जब आप लोग याद करके पूरा तैयार कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको ढंग से याद कर लीजिए। ज़्यादा अभी इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग मिक्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते चलिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो कभी नहीं याद होगा। थैंक यू।